क्या क्या तमाशे कर रहा था? क्या क्या कर रहा था? क्या क्या कर रहा था कितने दिन से? जल्दी बोल टाइम नहीं मेरे पास। बहुत बहुत तकलीफ दे रहा है मैं उसे। अच्छा बहुत तकलीफ दे रहा है। अच्छा क्या क्या तकलीफ दे रहा तू उसको? हाँ बोल, क्या क्या तकलीफ दे रहा बोल जल्दी। जीवान में मुंगे आ रहा है। हाँ उसे जीवान में मुंगे ला रहा। और क्या कर रहा? गले में दुख आ रहा। हाँ और सिर में मुंगे आता है। और सीने में मुंगे आता है। हाँ पहले तो बोला ना तू उसका दिल दबा के मारने वाला है तो। हाँ कैसा मालूम? आगे बोला। हाँ सब मालूम है मुझे ना लाया पहले से। हाँ और क्या कर रहा? नहीं कर रहा इतना। हाँ गल जाते। हाँ अच्छा फिर इसको तू बीमारी पे डाल के मारने वाला डायरेक्ट? अच्छा अम्मास में के पुन्नम में? हाँ अम्मास के पहले पहले। अच्छा अम्मास के पहले पुन्नम के पहले पहले। चलो अब जा और सब याद करके आ। ये ऐसा पकड़ी जा। हाँ और जोर से जकड़ो जरा उसको अंदर से। हाँ आग लगा के काट देंगे उसको। हाँ तेजी से। लगा पूरी ताकत लगा और जोर से और तेजी से दोनों हाथ काट देंगे तेरे वो। हाँ जोर से लगा पूरी ताकत जोर से और जोर से। सबको सुने आना। हाँ कैसा करना? काट के बाद टांगना के छोड़ देना। हाँ जबान से बोल। जबान से और जोर से। जोर से ले लू काट के। हाँ ले लू छोड़ू? मेरे सवाल के जवाब दे। छोड़ देता मेरे सवाल के जवाब दे। हाँ क्या नाम है पेशेंट का? रशीद। अभी को मार देने का था? हाँ क्या करने का था जल्दी बोल तो छोड़ते। कैसा मारने का था? छाती में दर्द करा के? हाँ दिल पकड़ के मारने का था? जोर से बोल। हाँ एक्सीडेंट करने का था? क्या करने का था? घर में लड़ाई लगा रहा था उसके खैरों पर का उड़ा दिया था? हाँ जबान से बोला तो छोड़ते। वैसा नहीं छोड़ते हम। अच्छा ये जो जादू करे तो उनके नाम नहीं पूछा मई? वो किधर के थे? रशीदा भी के ससुराल के तरफ के थे? मैके के तरफ के थे? दोस्ताने के तरफ के थे? किधर के थे? किधर के थे नहीं मालूम मेरे को। अच्छा तो खाली इतना बोले इसकी जान ले ले। मालूम नहीं मुझे। तुझे बोले क्या फिर? कुछ भी मालूम नहीं किधर के थे। तू किधर से आया था? मरे वाली औरत थी आदमी था जिन्नात की नस्ल से? कौन है तू? कौन है? मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदकुम व मिनहा नुखरिजकुम तरतन उखरा। किधर से है? मरे वाली इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की है? फिर तुझे याद दिलाता चलाओ जरा इसको तेजी के साथ में। तुझे याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा। क्या क्या याद है वो बयान कर, बाद में हम दूसरे बात आगे पूछेंगे। चल हाँ शमशान से कब्रिस्तान से। ये रशीदा बेगम पे जादू कहाँ से करे? शमशान से कब्रिस्तान से। हाँ कहाँ से करे? तुझे शक्ति कहाँ से मिल रही? शमशान कब्रिस्तान कहाँ से मिल रही? जोर से बोल। याद नहीं आ रहा ना। याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना। अच्छा रशीदा भी को मार देने का था? हाँ क्या मुझे कुछ भी नहीं याद आ। फिर तू काई को बैठा अंदर? हाँ मजाक कर रहा अंदर बैठ के? कुछ याद नहीं तो आंग में क्या कर रहा उसके? लिंगा उसकी जान अब लेता जान। हाँ क्या क्या लड़ाई लगा रहा था घर में? क्या क्या तमाशे कर रहा था? क्या क्या कर रहा था? क्या क्या कर रहा था कितने दिन से? जल्दी बोल टाइम नहीं मेरे पास। बहुत बहुत तकलीफ दे रहा है मैं उसे। अच्छा बहुत तकलीफ दे रहा है।
अच्छा क्या क्या तकलीफ दे रहा तू उसको? हाँ बोल, क्या क्या तकलीफ दे रहा, बोल जल्दी। जीवान में मुंगे आ रहा है। हाँ उसे जीवान में मुंगे ला रहा। और क्या कर रहा? गले में दुखा रहा। हाँ और सिर में मुंगे आता है। हाँ और सीने में मुंगे आता है। हाँ पहले तो बोला ना तू उसका दिल दबा के मारने वाला है तो। हाँ कैसा मालूम? हाँ आगे बोला। हाँ सब मालूम है मुझे, ना लाया पहले से। हाँ और क्या कर रहा? नहीं कर रहा, इतना हाथ पगल जाते। हाँ अच्छा फिर इसको तू बीमारी पे डाल के मारने वाला डायरेक्ट? अच्छा अम्मास में क्या पुण्यम में? हाँ अम्मास के पहले पहले। अच्छा अम्मास के पहले, पुण्यम के पहले पहले। चलो अब जा और सब याद कर किया। ए ये ऐसा पकड़ी, जा पकड़ो, जा इधर से मत पकड़ो, उधर से पकड़ो, जा सब याद कर किया। ले जाओ पीछे कैमरे को। हाँ सब याद करके आप कौन डाले थे उसके आंग में, कहाँ से तू आया था, शमशान खबरस्तान औरतें थे आदमियां थे, उसके माँ के खानदान के थे, बाप के थे, ससुराल के थे, किधर के लोग थे, सब याद करके आके बयान करेगा। समझ गया? क्या तू खजाने पे से आया था क्या? कहाँ से आया था? खजाना कहाँ गड़ियाला है? इसको क्यों पकड़ा तूने? क्या दास्तान है? सब बयान करेगा। समझ गया? चल जा, जा। क्या नाम उनका? रशीदा बेगम। अरे चल रहा जा, पानी पिलाओ। वो पकड़ कर रखो, उनको इसके हाथ में क्या मरा तो जा रहे पीछे से क्या मरा, पकड़ कर पानी दो उनको पीने को। ये जो मामला है ये ऐसा खुद ब खुद लगा हुआ नहीं है, ये इनको तकलीफा दे रहा अंदर से, पूरे बहुत सारे बीमारियां लगा दिया और उसी तरीके से बीमारी में डाल के खुला के झुलसा के खत्म करने वाला था उन्हें, उनको उन्होंने तो दवा खाने दवा बोले तो सब करे होंगे। जब थक हार जाता इंसान तो फिर उसको बाद में याद आता वो अल्लाह की शान याद आती फिर उसको कि नहीं और कोई है जो कायनात की हस्ती को चलाता, फिर चलो उसके तरफ रुजू हो, ये चीजा उससे डरेंगे। फिर उन्हें क्या बोलते तो फिर अल्लाह वालों के पास या बुजुर्गान दीन के पास में या खुद इबादत करने में लगेगा तो ये चीजा कटेंगे, नहीं तो एक बार भी वो कटते नहीं। उसको तुम लोहा लोहे से काटने जाएंगे तो कट जाएगा, तुम गंदे अमल को गंदे अमल से काटने जाएंगे नहीं कटता। शैतान के पास कहाँ से फैज देने को आएगा? शैतान के पास कहाँ से फैज देगा? फैज देने वाली जात अल्लाह की है और शैतान के हाथ में कोई फैज नहीं, सिर्फ तुम जहमत दे सकता। फैज रहमत अजमत वो अल्लाह वालों के पास में, क्योंकि अल्लाह खुद जमीन पे आके नहीं देता, अपने चुनिंदा बंदों के हस्से पहुंचाता। और फैज रहमत अजमत बरकत उस कलाम के अंदर, कलाम इलाही के अंदर पढ़ो, फैज हासिल करो लोगों को, तुम सबको ही मिलेगा। ये जो मामला है ये तो आगे नाम पूछा दूंगा सब तक। वो बिल्ली दूध पी रही आंखें बंद करके तुम लोग ऐसा समझ के एक दूसरे के ऊपर करनी का उटाला कर रहे होंगे, मगर तुम याद रखना मेरे सामने आने के बाद तुम्हारी ही जबान ही सबके नामा निकल जाते, तुम्हारे ही लोगों के जो तुम याद एक दूसरे के ऊपर कर रहे हो। इसलिए बाज आ जाओ, इबादत की तरफ रुजू हो लोगो, ये किधर भटक रहे तुम? आज मुसलमानों को सख्त जरूरत है कि इबादत करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर क्या आलम चल रहा देखे नहीं क्या? तुम्हारा रब तुमसे नाराज हो गया, तुम्हारा रब बेकाबा तुमसे नाराज हो गया, नालायक हो बदबख्त हो समझो, वो रब्बुल आलमीन वो खालिक वो मालिक नाराज है तुमसे, बोल के तुम पर इतने आफत मुसीबतें आ रहे। वरना मिसाल थी, वरना इन सब की हैसियत है जो कि मोमिन बंदों को आके जहमत दे सके। तुम्हारा पहरेदार, तुम्हारा निगेबान, तुम्हारा हिफाजत करने वाला तुमसे नाराज है ना, तो फिर क्या करेंगे? फिर तुम्हारा तो तुम ऐसे मैदान में भुट्टा कैसा भुने जाता वो चूल्हे के अंदर, वैसा तुम आपको भून देंगे ये मुनाफिका, ये मुशरिका, ये क्या बोलते तो शैतान के पुजारियां। क्योंकि तुम्हारा असल मालिक जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हर चीज पे कादिर है, वो तुमसे नाराज है, तो फिर कहाँ जाके बचेंगे? और वो क्यों नाराज हुआ तुमसे? वो ऐसे हरकतें करने के वजह से, हका मार दे रहे, एक दूसरे पे जादू आटोने कर रहे, कोई तुमको तमीज नहीं रही बात करने की, कोई तुमको नमाज की आदत नहीं, कोई तुम्हारा कुरान पढ़ने का मामूल तुम्हारे घर के अंदर नहीं, शरीयत तुमको मालूम नहीं। चलो भला मैं पूछता हूँ तुम्हारे बच्चों को कितनी शरीयत मालूम है, जरा बताओ मुझे शरीयत के कानून क्या है, क्या याद दिलाए तुमने बच्चों को? कुछ नहीं मालूम। झूठ बोलने पे क्या शरीयत सजा देती, क्या गुनाह होने वाला है, क्या आखिरत में उसकी सजा मिलेगी? कुछ नहीं मालूम तुम्हारे बच्चों को। अली अल्फाबेट मालूम है, एबीसीडी मालूम है, ऐसे एलिफेंट मालूम है, ऐसे एप्पल मालूम है, घना मालूम है, डॉस डंकी, मगर तुमको इबादत ये सब चीजा नहीं सिखाए तुमने बच्चों को, शरीयत नहीं सिखाए। तोता रटे जैसी कुरान रटा रहे अपने बच्चों को, तो क्या होने वाला है उससे? वो हल्लक तक बोले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि आखिरी दौर ऐसा आ जाएगा कि वो लोग दाड़ियां रखेंगे, जुल्फे रखेंगे,
रखेंगे, तुमसे ज्यादा इबादत में आगे दिखेंगे, तुम उनको देख के शर्म आ जाएंगे कि यार वो कितनी इबादत कर रहे हो, हमसे ज्यादा इबादत करने दिख रहे, मगर उनकी इबादत उनके हल्लकों तक अटके वाली रहेंगी, उनकी कुरान उनके हल्लक तक अटके वाली रहेंगी, उनकी नमाजें उनके मुंह पे फेंक के मार दी जाएंगी। क्यों मार दी जाएंगी? दिल दगलबाजी में और सर सजदे के अंदर है। वो सजदा कबूल होता है क्या? जो सजदा दिल के साथ क्या होता वही सजदा कबूल होता। बाकी तुम्हारा दिल सजदे में नहीं है, सर सजदे में, सर का सजदा तो फजूल होता। सजदा वो कबूल होता जो दिल जिसके अंदर झुके अल्लाह, वो सजदा कबूल होता। ये सब ऐसे हरकतें तुम करेंगे, ऐसे दीन हदीस की राह से भटक जाएंगे, तो फिर अल्लाह तुमसे तो यकीनन नाराज हो गया, और नाराज होगा तो तुमको फरमा दिया था कि तुम पर काफिर का बादशाह मुसल्लत कर दूंगा, और वो भी ऐसा जालिम कि तुम्हारे बच्चे और बुड्ढों पर भी रहम नहीं करेगा। तो यकीनन सही बात होगी ना, पत्थर की लकीर अल्लाह जो फरमाओगे। तुम अगर इबादत की राहों को मजबूती से थामेंगे, ये सब वबाएं ये बलाएं क्यों घेर रही तुम आपको? तुम दीन हदीस इबादत से दूर हो गए बोल के घेर रही, और करने वाला भी दूर होगा, और जिस पे मार पड़ रही उन्हें भी अल्लाह से दूर होगा बोल के तुम मार पड़ रही। मजाल है अल्लाह वालों के ऊपर जादू करने की, मजाल है बुजुर्गाने दिनों चाहने वालों के ऊपर जादू करने की। तुम राह भटक गए ना, पटरी छोड़ दी ना तुमने, तुम गलत दिशाओं में गए बोल के तुमको मारा पड़ रहे। तो इसलिए तुम बाज आ जाओ मोमिन बंदो, मैं मुसलमानों को बोलूंगा और हिंदू सिख ईसाई सबको बोलूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। बबूल बोएंगे तो आम कहाँ से खाएंगे, ये मिसाल थी ना बनेगी। तो इसलिए जैसी तुम्हारी नीयत रहेंगी, जैसे तुम्हारी ईश्वर के बंदों को परेशान करने की सोच रहेंगी, तो वैसे तुम भी परेशान होंगे, तुम भी मारो। इसलिए किसी का बुरा नहीं सोचना, तुम अगर दूसरे का बुरा सोचो तुम्हारा भी तो बुरा होगा ना भाई, तुम उसके घर जला रहे। तो इसलिए ऐसी हरकतें मत करो। दुआ और बद्दुआ मोमिन बंदों को तो दुआ और बद्दुआ दो हथियार दिया है अल्लाह ने, बस और बोले अल्लाह है कि दुआ करो किसी के हक में तो वो आबाद हो जाएगा, और बद्दुआ करो तो वो शहंशाह होने दो, उसे बर्बाद कर दूंगा, हलाक कर दूंगा उसको रोड पे लाके। क्योंकि करा ना अल्लाह ने बताया ना, शहंशाह रात और रात शहंशाह था, और सुबह में क्या बोलते तो उसका आलम बुरा होगा, भीख मंगा भी तो उसको कोई पैसे देने अल्लाह नहीं बचा, और बाद में उसको हलाक कर दिया लोगों ने। बहुत सारे वाकई पढ़ो हिस्ट्री के अंदर भी नहीं, अभी भी हिस्ट्रियाँ चल रहे हैं, वैसे लाइव में भी है देखने को। तुम्हारा मैं क्या बोलूँ, कल तक जो तन के चलते थे वो बोला अपनी शान और शौकत पर, अब खबर पे उनके चिराग भी नहीं जलाने को कोई। तो वैसे आज भी जो तन के चल रहे तो क्या मालूम कल इनके साथ में क्या करता अल्लाह। बड़े बड़े बातें करते लोगों, तुम पता है कि तुमको कल क्या होने वाला तुम्हारा, पता है कि तुम्हारे सुबह में क्या होगा, दो घंटे में क्या होगा, एक घंटे में क्या होगा तुम्हारे। अबे तुम्हारी सांस रुक गई तो तुम चले जाते दुनिया से, खत्म रफा दफा। बड़ा बड़े बड़े बातें कर रहे, बड़े बड़े प्लानिंग बना रहे, दस दस साल की प्लानिंग बना रहे, और खुद के जीने का 10 सेकंड का तुम इंसान का भरोसा नहीं रहता। तो इसलिए कर्म अच्छे रखो, इंसान अपने कर्म से जाना जाता, कार्य उसका जो कर्म रहता ना कर्म से जाना जाता, उन्हें उसके नाम से नहीं जाना जाता। तुम बोलेंगे कि मिसाल दो, एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे, तुम्हारे पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर तुम्हारे 1000 लोगों के नंबर है, तो तुम सबके नामों के साथ नंबर फिट कर दो, तुमको किसका नंबर याद नहीं रहता। और उसके कार कर्म के हिसाब से नंबर सेव करो कि एडवोकेट, डॉक्टर, जज, उसका जो भी कर्म है उसके कर्म के हिसाब से उसका नंबर सेव कर करो, तुमको जब मिल जाता हो 1 सेकंड के अंदर। आगे समझ, छोटा एग्जाम्पल तो सा, तो तुम कर्म से जाने जाते, तुम नाम से, तुम घराने से इससे नहीं जाने जाते। तो कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो वैसे तो पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। बहुत सारे बातें, बहुत कुछ कहने सुनने से अल्लाह तक नहीं तो फरमाए। बाकी मैं तुम्हारे को क्या बोलूँ, सिर्फ इतना बोलूँगा बता रहा हूँ, ये जो मामला है ये खिला के छोड़े वाली दास्तान है, ऐसा जाता नहीं। जा रहे बोले तो जाता, बाद फिर रिटर्न आ जाता, अंदर खींच के दवा बुला लेते उसको वापिस। और मुझे तो सब मालूम है हर चीज़ का तरीका कैसे हल करने का, वो पहले बोल दिया ना, पहले से बयान करा मैंने वीडियो के अंदर, देखो कि दिल पकड़ रहा हूँ ना तू, तो बाद में कैसा बोल रहा हूँ दिल में मुंगे ला रहा, छाती में ला रहा था, सब तो खेल चलता हूँ, जमा हो रहा, जमा होने के बाद पकड़ लेता, पकड़ा के पेशेंट खत्म हो जाता। और बहुत सारे राज है, बहुत सारे बातें, मैं मेरे जबानी नहीं बोलता, मैं तुमको प्रैक्टिकल में बताता, और बताने के बाद ये जो तुमको तशरीह देता हूँ उसके ऊपर कंक्लूजन जो उसका निकालता और जो थेरीज पढ़ाता, तो इसलिए तुमको बताता सारे थेरीज का कंक्लूजन। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कौन बताएगा? और मैं तुम्हारी सलाह नहीं करूंगा तो तुम जाके भटक जाएंगे ना, फिर दिन से भी गए दुनिया से भी गए, फिर क्या रहेगा तुम्हारा? फिर बाद फिर मेरे को भी पूछूंगी तुमने बताया क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का, इंटरनेट का, इसके दौरा थे सोशल मीडिया के, फिर उस पर तुमने बैठ के वो सब अल्लाह काम लेता, बंदे की हैसियत नहीं रहती। मेरा काम बता देना, वो तुम्हारे जेब तक पहुँचता, तुम उस पर अमल करेंगे तो तुम आबाद हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो तुम फिर ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को जाके वहाँ जवाब तो देना चाहिए मरने के बाद। तो उससे पहले ही इंसान अपने कार्य को और अपने कर्म को अच्छा बनाओ, इबादत की रस्म मजबूती से थामो,
कुरान नमाज हदीस सब पढ़ सकते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को भी मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा बेचैनी हो रही, तुम घबराहट हो रही तो जरा नमाज तो पढ़ के देखो, वो ईश्वर की बंदगी तो करो, वो अल्लाह के सामने जाके झुको तो सही, उसके बाद सलाम फेरो और फिर देखो तुम्हें कितना सुकून मिलता, तुम खुद बोलेंगे। मुसलमानों ने जागीर में नहीं लाए कुरान नमाज, हम ही पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ो, तुमको भी क्या पता अल्लाह दीन दुनिया की दौलतों से नमाज देगा, पढ़ने की बरकतों से, तो पढ़ो जरा उसके नजदीक तो जाओ ईश्वर के, तुमको भी समझ में आएगा ना। बहुत सारे बातें, बहुत सारे अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको मन करने की तो क्या होता है, टोक दो।